सुप्रभात बच्चों, आजकल हम पाठ 13 बड़ों का कहना मानो उसका रिवीजन कर रहे हैं। कल हमने इस पाठ के शब्द अर्थों को पढ़ा था, आज हम इस पाठ से संबंधित दूसरा कार्य यानी कि खाली स्थान पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारे खाली स्थान। पहला खाली स्थान है बच्चों नदी के किनारे एक डैश का पेड़ था। जो खाली जगह दी है उसमें हमें शब्द भरना है। तो नदी के किनारे किसका पेड़ था? देखिए नीचे लिखा है बरगद। नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर ढेर सारे बंदर रहते थे। तो इसका सही उत्तर बच्चों बरगद है। तो उस खाली जगह में आपको बरगद लिखना है। दूसरा है एक दिन डैश में चांद निकला। तो चांद कहाँ निकलता है? यस, नीचे उत्तर में लिखा है आकाश। आकाश मीन्स आसमान। तो एक दिन आकाश में चांद निकला। चांद तो रोज ही निकलता है, पर इस पाठ में यह वाक्य आया है इसीलिए हमने यह वाक्य बनाया है। नंबर 3, एक डैश डाल से लटक गया। डाल से कौन लटक गया था? बंदर। एक बंदर डाल से लटका, फिर उसकी पूंछ पकड़कर दूसरा लटक गया। इसी तरह बंदर पानी तक पहुंच गए थे। तो इस खाली जगह में हमें क्या भरना है? बंदर, ब अंक अंक की बिंदी है, दर। एक बंदर डाल से लटक गया। फोर्थ वाला फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा पेड़ की डैश टूट गई। जब सारे बंदर डाल से लटक गए तो पेड़ की डाल माने टहनी शाखा, पेड़ की डाल टूट गई। पेड़ की डाल टूट गई, इसमें डाल शब्द भरना है आपको। अब हमारा लास्ट खाली स्थान है सारे बंदर डैश में गिर गए। सारे बंदर जब पेड़ की डाल टूट गई तो सारे बंदर कहाँ गिर गए? तालाब में, पानी में गिर गए। तो बच्चों ये जो खाली स्थान है इनको आपको याद करना है। इनके जो शब्द भरे जाएंगे उन्हें आपको अच्छे से लिखते आने चाहिए। इनका अभ्यास कीजिएगा। कल हम दूसरी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।